नमस्कार सर। सत साई भगत जी। सर क्या नाम है आपका? मोहनदास भगत जी। सर कहाँ से हैं आप? मध्य प्रदेश का भगत जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 1/8/2013 को। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? ब्रह्मा विष्णु महेश सभी की भक्ति करते थे। सर आपको संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी कहाँ से मिली? सर मेरे को ज्ञान गंगा पुस्तक मिली, तो ज्ञान गंगा पुस्तक को पढ़ा, फिर कुछ पढ़ के रख दिया। फिर एक दिन टीवी चैनल देख रहा था, तो उस पे संत रामपाल जी महाराज का सत्संग चल रहा था। तो जब सत्संग देखा तो उसमें ज्ञान गंगा पुस्तक का जिक्र भी नीचे पट्टी पर चल रहा था। जब वो देखा सत्संग देखकर फिर ज्ञान गंगा पुस्तक को मैंने पढ़ा। फिर सब पूरी पुस्तक पढ़ने के बाद कुछ लगा कि भक्ति तो सत्य भक्ति तो इसी पुस्तक में ही संत बता रहे हैं। सर फिर हम बरवाला गए, वहाँ संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ली। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? हाँ सर लाभ प्राप्त हुए, बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। पहले तो मेरे गले में कुछ ऐसी समस्या थी कि मेरा गला दो बात करने के बाद में मेरा गला बैठ जाता था, पर संत रामपाल जी महाराज की से दीक्षा लेने के बाद में भक्ति बोध पुस्तक मेरे को जो दी गई तो मैं वहीं पर उसको अच्छी आवाज़ से पढ़ने लगा। जब भी मेरे को लगा कि हाँ कुछ न कुछ परमात्मा का ज्ञान, कुछ पूर्ण परमात्मा है तो ही है, जब से मेरी आवाज़ पूरी खुलकर चालू हो गई। और एक बार हम वहीं बरवाला जा रहे थे तो हमारा बच्चा रह गया था रोहतक में, हमारा बच्चा ट्रेन में लटक गया था। तो लटक गया था तो हम आगे निकल गए, तो आगे निकले तो गेट बंद था तो वहीं हम खड़े हो गए। तो कुछ संत रामपाल जी महाराज की शिष्य हमारे साथ में ही थे, तो उन्होंने बताया कि साइड में कोई लटक रहा था। हमने सोचा कि नहीं यहाँ ट्रेन में रात में कौन लटकेगा, तो बोले नहीं देखो आप कोई ना कोई लटक रहा है। जब देखा तो लड़का हमारा ही लटका हुआ था। जब लड़का अंदर आया, संत रामपाल जी महाराज की दया हुई तो हमारा बच्चा ये मान के चलो कि कुछ नहीं और गेट लग गया, और गेट लगा हुआ नहीं रहता तो हम आगे निकल जाते, हमारा बच्चा वहीं पर गिर जाता। तो संत रामपाल जी महाराज की बहुत बड़ी दया हुई। उसके बाद अभी 2-3 महीने पहले हमारा बच्चा जा रहा था बाइक से खंडवा की ओर, छेगांव से होता हुआ खंडवा जा रहा था। तो रास्ते में एक लोडिंग खड़ा हुआ था, अब बच्चा गाड़ी चला रहा था और लोडिंग एकदम जाके वहाँ रुक गया, रुका कि उसी के साथ में इसकी गाड़ी टकरा गई। गाड़ी टकराने के बाद उसका मांस भी टूट गया, गाड़ी भी टूट गई। और गाड़ी वालों ने देखा वहाँ पर एक शोरूम भी है, शोरूम वाले भागते आए कि बोले ये बच्चा मर गया होगा। जब आसपास देखने लगे तो वहाँ बच्चा कहीं नहीं दिखा, तो बोला कि अरे वो बच्चा गया कहाँ। तो देखते हैं तो बच्चा गाड़ी में चढ़ा हुआ है, जिसे गाड़ी टकराई थी उस गाड़ी में खड़ा है। बोले मैं हूँ, तो बोले नहीं ऐसा हो नहीं सकता कि तू स्वयं ऑटो वाला है, तू यहाँ छिप गया है। बोले नहीं ये गाड़ी मेरी ही नीचे पड़ी हुई है, मैं ही यहाँ हूँ। तो बोले ऐसा हो नहीं सकता कि तू गाड़ी के अंदर कैसा चला गया। तो बोले ये सब परमात्मा की दया, संत रामपाल जी महाराज की दया है कि मैं अंदर कैसा है मेरे को भी ज्ञान है, पर उसको कुछ भी खोज नहीं आई भगत जी ना। सब देखने वाले बोल रहे थे कि ये बच कैसा गया, तो ये सदगुरु रामपाल जी महाराज की ही दया से हमारा बच्चा हमको वापस मिला। हमारी जो पत्नी जी हैं उनके हाथ पैर एकदम बिल्कुल अकड़ जाते थे, तो हमने डॉक्टर को भी दिखाया, तीर्थ स्थानों पर भी गए, बड़ों के पास भी गए, तो उनसे कुछ लाभ नहीं हुआ। पर संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के बाद आज बिल्कुल वो ठीक है। सर क्या आप नशा भी करते थे? हाँ नशा करता था मैं, तम्बाकू भी पीता था, शराब भी पी लेता था। मैंने कहीं बार छोड़ने की कोशिश की पर आज तक नशा नहीं छूट रहा था, पर संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के बाद बिल्कुल नशा छूट गया। और हमारे बच्चे परिवार पूरे बच्चे भी एक बच्चा भी हमारा तम्बाकू वगैरह खाता था। आज पूरा परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की शरण में है, सभी उपदेशी हैं, सभी को सतनाम मिल चुका है। हमारे घर में बीड़ी सिगरेट तम्बाकू कोई यूज नहीं करता, बिल्कुल हमारे बच्चे भी नशा मुक्त हैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आप नशा मुक्त हो गए, जबकि सरकार लोगों को नशा मुक्त करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करती है और कई प्रकार की योजनाएं चलाती है। यह कैसे संभव है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आप नशा मुक्त हो गए? संत रामपाल जी महाराज जो मंत्र देते हैं वो मंत्रों में ऐसी शक्ति है, वो मंत्र का जाप करने से उनके मंत्रों में इतनी शक्ति है कि नशा बिल्कुल छूट जाता है। और विश्व में कोई संत नहीं है और कोई गवर्नमेंट ऐसा नशा मुक्त भारत नहीं बना सकती, केवल बना सकते हैं तो संत रामपाल जी महाराज। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहा है आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उनसे प्रार्थना करूंगा, संदेश तो क्या दूंगा, सभी भाई बहनों से मेरी प्रार्थना है कि सभी सत्संग देखें और संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लें।
जैसा मेरा नशा छूटा, सभी भाई बहनों से मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आएं और भक्ति करें और दीक्षा लेकर सबका नशा छूट सकता है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज के सत्संग चलते हैं साधना चैनल पर 7:30 से 8:30 तक। साधना चैनल पर संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है, तब सत्संग सुने और नीचे उनके नंबर आते हैं, नंबरों पर संपर्क करके और जहाँ भी नामदान सेंटर है वहाँ से दीक्षा लेकर संत रामपाल जी महाराज से भक्ति प्राप्त करें। धन्यवाद सर। सत साहिब।